झूठ हो ये भी था कि जो भिंडरा वाले थे वो हिंदुओं को नफरत करते थे, हाँ ये हाँ एक बड़ी लाइन जो है लगातार आती रहती है सामने, इसके नहीं बारे में कैसे चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जब मैंने खालिस्तान के बारे में भिंडरांवाले से संत जी पूछा तो उन्होंने कहा ये वो दे रहे हैं मुझे तो मैं क्यों नहीं लूँ। जी हाँ मुझे तो सारा हिंदुस्तान चाहिए, तो वो तो हमारे लिए मान्य है क्योंकि सारा हिंदुस्तान सबका है। जी हाँ तो वो तो देखिए वो बड़े सीधे संत जी बहुत सीधे थे। ये दुष्ट अखबार वालों को पैसा देकर भेजते थे। हाँ और जानबूझकर तोड़कर मरोड़ के बोलते थे। मुझसे एक बार पूछा कि आप भिंडरांवाला के साथ 5 दिन रहे हाँ और आपने हथियार देखा। मैंने कहा मैं तो हथियार देखने के लिए गया ही नहीं, मैंने तो बातचीत से खूब सुलझे उसके लिए गया, तो इसीलिए हथियार क्यों मैं देखने के लिए जाऊं। तब हेडलाइन क्या था, स्वामी कहता है गोल्डन टेम्पल में कोई हथियार है ही नहीं। सब मुझे गाली दे रहे थे ये कैसा आदमी है, हाँ इतना हथियार है उतना हथियार है, पहले से दिमाग बनाया हुआ था कि हथियार भरा हुआ। परंतु तो मैंने ये नहीं कहा कि हथियार नहीं है, मैंने सिर्फ कहा मैं हथियार देखने के लिए गया नहीं। ऐसे ट्विस्ट करने का इनका शुरू से था, ये तो एक मन बना था तो ये होना है। और मैंने इंदिरा गांधी को खुद मिलकर ज्ञानी जी से यानी जेल सिंह के कहने पर मैं इंदिरा जी से मिलकर कहा कि मत करिए क्योंकि सिखों के साथ को जो भी अन्याय किया अभी तक वो छोड़ा नहीं उनको, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो बाद में अगस्त 84 में इंदिरा गांधी ने मुझे पार्लियामेंट में कॉरिडोर में मिल गई, उसने मुझे कहा तुम्हारी बात सही है, वो अब तो मुझे लगता है बहुत देरी हो गई लेकिन आपकी बात सही है, ये मुझे बोलकर गई थी। तो अब उनको भी चढ़ाने वाले बहुत थे, सोनिया गांधी उनको रोज धमकाती थी कि तुम सदा दुनिया भर में हैं, मेरी मैं और मेरे बच्चे सब खतरे में रहेंगे इसीलिए इनको अभी खत्म करना है, बड़ी दबाव लगा रही थी वो, क्योंकि वो सोवियत रूस के साथ थी ना, उसके सारा परिवार सोवियत रूस की से पैसा लिया हुआ लोग हैं, तो ऐसे फोर्सेस लगे हुए थे। तो अभी मैं समझता हूं कि पहले दिमाग देश में दिमाग एक साफ बनना चाहिए कि हम लोगों को खेद है कि ये हुआ, हमारे हम लोगों को भी बुद्धू बनाया गया और ये बहुत गलत हुआ है, इसके लिए समाधान करने के लिए हमें सारे कदम उठाने चाहिए। वो बनने के बाद फिर हम इस चीजों में जाएंगे। जब भी सिखों की बात आती है, 1984 ऑपरेशन की बात आती है, तो एक मांग उठती है कि जो वहां की आर्मी उस समय ऑपरेशन के दौरान सिखों का खजाना वहां से लूट के ले गई थी, उसको वापस किया जाए। समय समय पे ये मांग जो है उठती रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इस पर कोई जांच को पहले बैठाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मैंने ये बात कहीं दस्तावेज देखा नहीं इसका, परंतु सारे जो दस्तावेज हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार उसको पब्लिक करना चाहिए, ये तो मैंने हमारे प्रस्ताव में भी रखी है जी जो पार्लियामेंट में है ओके और उसमें देखते हैं। दूसरा है कि होम मिनिस्ट्री से अभी मैंने ये चिट्ठी लिखकर पूछा है कि इसमें कोई तथ्य है तो हमें बताइए, और ये भी है कि जो लोग उस समय पकड़े गए थे और अभी भी जेल में हैं उनको छोड़ने की, यानी ख़ास तौर पर जहाँ स्टेट गवर्नमेंट पंजाब ने भी रेकमेंड किया है कि इनको छोड़ देना चाहिए, तो उनको छोड़ने की जो भी प्रक्रिया वो भी शुरू करनी चाहिए। जी तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं, मैं तो कहता हूँ कि पहले देश को तो मानना चाहिए कुछ गलत हुआ है। जी हाँ बिल्कुल इसमें को दो राय नहीं होनी चाहिए। हाँ तो क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे प्रोपेगेंडा की थी कि सब झूठ है कि वहाँ ट्रांसमीटर है, CIA से बात हो रही है। मुझे सोवियत रूस के एम्बेसडर ने खुद कहा कि आप इसका क्यों उठाते हैं, आप जानते नहीं हैं कि वो वहाँ भिंडरांवाला रोज CIA से बात करता है। मैंने कहा वो तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ने कहा नहीं, आपको कैसे पता लग गया। जी हाँ और ये ट्रांसमीटर से करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी रेडार पकड़ लेगी। हाँ तो ऐसे बहुत झूठ बोले गए थे उनका ये रहता एक एक एग्जाम्पल के ऑपरेशन ब्लू स्टार को जुम्मेवार ठहराया जाता है कि वहां पे कुछ ऐसा हो रहा था जिसके लिए ये करना बहुत जरूरी था। क्या कहेंगे आप? नहीं तो ये तो मैं तो उसी समय भी कहा हूँ आज भी कहता हूँ कि इसमें ये कोई ये निराधार बात है,
ये एक साजिश थी सोवियत रूस की, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, हरकिशन सुरजीत जैसे लोग और इंदिरा गांधी, और ये चाहते थे कि यदि इस देश में कम्युनिज्म पनपना है और पंजाब में उसको जड़ रहना है, तो जो धार्मिक शक्तियाँ थे उनको दबाना है और हिंदू और सिख के बीच में एक तनाव पैदा करना है। जी तो भिंडरांवाला को तो पहले अकालियों को नीचे करने के लिए इंदिरा गांधी ने ही उसको प्रोत्साहन दिया था, जी परंतु वो अपना आदमी इंडिपेंडेंट संत थे और वो इतने बड़े हो गए कि वो इंदिरा गांधी को भी सुनने के लिए कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता था। जी तो तब इन लोगों ने सोचा कि ये तो इतना दूर चले गया है, इतना बड़ा हो गया है, तो इसको ख़त्म करना है, उसके लिए पहले उसको बदनाम करना है। और वो बदनाम करने की साजिश चली, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे पहले बहुत देश भर में प्रचार हुआ, पार्लियामेंट में भी बोला गया कि रूम नंबर 32 नानक निवास में खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स है, जी वहाँ पासपोर्ट छप रहे हैं, वहाँ करेंसी छप रही है और ये सब। फिर मैं गया वहाँ और वहाँ किसी को हिम्मत नहीं दी जाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर से, परंतु तो मैं गया क्योंकि भिंडरांवाला से मुझे यानी संकेत मिला कि मैं वो मिलने चाहते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी में मैंने जो इंदिरा गांधी का विरोध किया उसको बहुत प्रशंसा यानी उसको बड़ी तारीफ करते हैं, तो इसीलिए वो मिलने चाहते थे। तो ऐसे उनके लोगों ने आकर मुझे बताया मुझे, तो मैंने सोचा ये भी देख लूँ। तो जब मैं रूम नंबर 32 में गया और दरवाज़ा पर खटखटाया, तो एक लड़का ने खोला, अंदर एक चारपाई थी और एक चाय के लिए एक स्टोव थी जी और कुछ नहीं था। मैंने आकर पार्लियामेंट में कहा, क्या झूठ आप लोगों ने बोल दिया है कि वहाँ पासपोर्ट छप रहा है, वहाँ करेंसी छप रहा है, कुछ नहीं छप रहा है। तो फिर वो रूम नंबर 32 की तो बात छोड़ दी, बाद में कहा कि हथियार आ रहे हैं और सब जमा हो रहा है, CIA के साथ कांटेक्ट हो रही है, वहाँ बलात्कार चल रही है। ये सारे उन्होंने माहौल बनाकर अपने समाचार अखबारों से जो पब्लिक को जो पंजाब में नहीं परंतु सारा देश में को गुमराह करने के लिए कोशिश की थी। और उसके बाद ये ऑपरेशन ब्लू स्टार करना उनको पड़ा, जिससे देश के लिए बड़ा नुकसान हुआ और एक विभाजन, जो एकता थी नाखून और मांस की एकता, वो बिगड़ कर एक तनाव में बढ़ गया। ये सोवियत रूस की साजिश थी और इसीलिए मैंने उस समय बोला उसके खिलाफ। जो आपने 9 मास के रिश्ते की बात की, अपने आप में जो एक ही हमारा लिविंग था वहां पे, हाँ लेकिन 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सब कुछ खत्म करके रख कर दिया। दिया। हाँ लेकिन आज भी ऐसी पावर्स हैं जो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि सिख हिंदू जो हैं इकट्ठे ना हो सकें। ये लगातार जो वहां से लेके अब तक चलता आ रहा है। लेकिन आपने जैसे बात की कि वहां पे पासपोर्ट की प्रिंटिंग का आपको कुछ नहीं मिला, वहां पे ट्रांसमीटर की बात की जा रही थी कि ये अनाउंस करने जा रहे हैं। सो आपको लगता था कि अगर इस चीज को ना किया जाता, ऑपरेशन ब्लू स्टार ना होता, तो आज जो नॉर्थ इंडिया में जो हालात बने हैं ये ना होते और ये खित्ता जो है तरक्की में होता? नहीं, बिल्कुल हिंदू सिख के फिर वो बंटवारा ही नहीं होती, परंतु कांग्रेस को कुछ जगह ही नहीं होती। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश का जो हित है उससे उसको उल्लंघन किया, उसका साथ उन्होंने उसको ठेस पहुंचाया। तो मैं तो कहता हूं कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होती तो आज पंजाब की स्थिति और बिल्कुल और होती, और किसी और हमारे देश के दुश्मन को कोई भी आशा नहीं होती कि हम वहाँ अफीम लगा सकते हैं। अब क्रिश्चियन का भी बहुत चल गया है, जी धर्म परिवर्तन, ये सारा नहीं होता यदि ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होता और 84 अक्टूबर की नरसिंहार नहीं होता।